नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का मंत्र दूसरे कार्यकाल की शपथ वाले दिन ही मंत्रियों को समझा चुके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें फील्ड में उतारने की तैयारी कर ली है। 18 मंडलों के लिए मंत्रियों की 18 टीमें बनाई गई हैं, जो कि एक एक जिले की समस्या, समाधान और संभावनाओं का अध्ययन करेंगी और उसी रिपोर्ट के आधार पर सरकार प्रदेश के सभी 75 जिलों के विकास के लिए मॉडल प्लान बनाकर काम करेगी। इसके लिए कुल 18 हफ्ते का कार्यक्रम बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के विकास के लिए नए सिरे से एक खाका खींचा है, जिसके तहत हर जिले के लिए एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट प्लान तैयार किया जाएगा। ये मॉडल प्लान ऐसे ही नहीं बनेगा, बल्कि इसके लिए मंथन होगा और हर जिले की समस्याओं का बाकायदा अध्ययन किया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत सीएम योगी ने कैबिनेट मंत्रियों को फील्ड में जाने के निर्देश दिए हैं। 18 मंडलों के लिए 18 टीमें गठित कर 18 हफ्ते के लिए कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है और ये टीमें हर मंडल में 72 घंटे यानी कि 3 दिन का प्रवास करेंगी। ये टीमें जनता से मिलेंगी, व्यवस्थाएं अव्यवस्थाओं की पड़ताल करेंगी और ये भी देखेंगी कि विकास की संभावनाएं कहाँ और कितनी है। उद्देश्य यही है कि हर समस्या का समाधान किया जाए। सीएम योगी ने तय किया है कि मंत्रियों की इन टीमों की अलग अलग रिपोर्ट 75 जिलों के नोडल अधिकारियों को दी जाएगी और उसके आधार पर हर जिले के लिए अलग से मॉडल डिस्ट्रिक्ट प्लान जो है बनाया जाएगा। इससे पहले विकास के कई एजेंडे तो यहाँ पर बनाए गए हैं, लेकिन जब धरातल पर काम देखने की बारी आती है तो उस वक्त क्या नतीजे दिखते हैं, इन्हीं पर आज हम बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर हालांकि योगी सरकार 2.0 के तहत हम देख रहे हैं कि पूरे एक्शन मोड में काम कर रही है और यहाँ पर एक और अहम जानकारी आपको दे दें कि एक महीना यानी कि 4 हफ्ते पूरे हो गए हैं योगी सरकार को और 40 बड़े फैसले 4 हफ्तों में योगी सरकार ने लिए हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से लोकसभा चुनावों को लेकर जो है योगी सरकार अभी से एक एक काम कर रही है और फूक फूक कर कदम रख रही है और इसी कड़ी में अब यहाँ पर 18 मंडलों के लिए 18 टीमें और 18 हफ्ते का एक कार्यक्रम जो है वो तय किया गया है ताकि हर मंडल का बेहतर विकास हो सके। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। सपा प्रवक्ता मोहम्मद तारिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद तारिक जी नमस्कार, स्वागत है आपका। इसके अलावा बीजेपी प्रवक्ता आलोक वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक जी आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार नवेद शिको हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवेद जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आलोक जी सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। हम देख रहे हैं कि सरकार दूसरी पारी में एक्टिव मोड में काम कर रही है और अब एक नया यहां पर 18 मंडलों को फोकस करते हुए 18 टीमें बनाकर 18 हफ्ते का कार्यक्रम तय करने के लिए मंत्रियों को जो एक जिम्मेदारी दे दी गई है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुत उम्मीदों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनाई है। तो मुझे लगता है कि सरकार से उम्मीदें भी हैं। आपकी आवाज थोड़ी गड़बड़ आ रही है मुझे। आपकी आवाज आलोक हमें मिल रही है, बोलिए। मुझे लगता है कि बहुत उम्मीदों के साथ भारतीय जनता पार्टी को सरकार सौंपी गई है। उत्तर प्रदेश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा किया है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के ऊपर भरोसा किया है। हमारी भी जिम्मेदारी है कि जो अगला 5 साल हमें मिला है उसमें तेजी से हम काम करें। जो लोगों की उम्मीदें हैं, जो लोगों की आकांक्षाएं हैं, चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे नौजवानों की बात हो, कारोबार को बेहतर दशा में पहुंचाने की बात हो, फैक्ट्रियां लगाने की बात हो, तो उस पर हमें काम करना है। और हर जिले की जो हमने महसूस किया पिछले 5 सालों में कि हर जिले की अपनी एक खास जरूरतें होती हैं, वहाँ कुछ खास तरीके के कारोबार को डेवलप किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। योगी जी उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। 18 मंडलों में 18 टीमें भेजी जा रही हैं। निश्चित रूप से वो वहाँ की जरूरतों के वहाँ के हालातों के बारे में समझेंगे और उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर आगे काम किया जाएगा। बिल्कुल आलोक जी, क्या माना जाए कि अब सीएम योगी ने यहाँ पर सभी जो 18 मंडलों के लिए टीमें बनाई हैं, 18 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है, एक तरीके से कैबिनेट मंत्रियों की जवाबदेही जो है उन मंडलों के प्रति यहाँ पर तय कर दी है। आपकी आवाज गूंज रही है, बार बार मेरे कान में रिपीट कर रही है। तो पहले ठीक है, मैं अपनी टीम से कहूंगी कि जो दिक्कत हो रही है इसको ठीक किया जाए। यहाँ पर उनको आवाज रिपीट हो रही है बार बार, इस वजह से दिक्कत हो रही है। तारिक जी आपके पास आना चाहूंगी। यहाँ पर जिस तरीके से योगी सरकार हम देख रहे हैं कि पूरे एक्शन मोड में काम कर रही है, लेकिन हालांकि दावे वादे बहुत किए जाते हैं, जब ग्राउंड पर, जब धरातल पर उन कामों को देखने की बारी आती है तो उस दौरान क्या वो वाकई में दिखते हैं धरातल पर?
नहीं, अब अभी तो सब सिर्फ इनके प्लान, प्रोजेक्ट और प्रोजेक्शन, विजन मिजन, यही सब चल रहा है। काम तो अभी कुछ शुरू नहीं हुआ है। और जो ये टास्क फोर्स बनाना चाहते हैं उसके लिए जिला योजना कमेटी तो बनी हुई है पहले से। जिला योजना कमेटी फिर क्या करती? जिला योजना कमेटी के ऊपर एक प्रभारी मंत्री होता था, वो जिला योजना कमेटी जिले भर की, उसमें सारे विधायक, जब मीटिंग होती है उसमें सारे विधायक आते हैं, सारे ब्लॉक प्रमुख आते हैं, बीडीसी आते हैं, सारे लोग आते हैं, सब अपनी अपनी समस्या रखते हैं। किसी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के लिए ही होती है, एक प्रभारी मंत्री बनाया जाता है, वहां का जो सांसद होता है वो उसको प्रेसाइड करता है, उसमें जिला पंचायत अध्यक्ष होता है, वहां पर यही सब बातें रखी जाती हैं कि वे समस्या, वो समस्या है, ये समस्या है। तो क्या मतलब ये है कि कान इस तरफ से उठा दिया और दूसरी तरफ से पकड़ने की कोशिश हो रही है? सिर्फ ये जिला योजना कमेटी का काम ही है, उसके बाद चलिए अगर आपने डिस्ट्रिक्ट वाइज टारगेट दे दिए कि आप समस्या निकाल के लाएं, तो हम देखेंगे कि क्या करते हैं। अभी से हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, अगर कोई अच्छा काम पब्लिक वेलफेयर का उससे निकाल के लाते हैं, कोई अच्छी योजना निकाल के लाते हैं, धरातल पे जाते हैं, देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या पर्टिकुलर सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम्स हैं, उस प्रॉब्लम के आधार पर एक सोल्यूशन गवर्नमेंट लेके आती है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट की जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जो डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी है उसकी जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करना और उसके लिए पॉलिसीज बनाना और उस पॉलिसीज को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कराना धरातल पे लाके। तो अब अगर ये टीम इनकी बनी है, ये जाती है अपनी जो कोशिशें वो करती है, उसके बाद कुछ इस अच्छी पॉलिसी लेके आती है, जो योजना योगी सरकार नई स्टार्ट करती है, फिर हम अगर ऐसी होगी तो जरूर उसको स्वागत करेंगे। लेकिन अभी मौजूदा स्वरूप में मुझे लगता है कि इनके, आपके पास जिला योजना कमेटी है, ये तो मंत्री मतलब आप तो आपका वहां ये का कहना प्रभारी है रहते तारी हैं, कि वहीं इसमें कुछ बताते नया नहीं है, ऑलरेडी जो जिला योजना कमेटी की आप बात कर रहे हैं वो पहले से बनी है, उसके यही टास्क हैं। होते हैं जो अब दिए गए उनके हैं। भी ऐसा, उनमें भी मंत्री एक होता है, ठीक है उसमें भी एक मंत्री ठीक होता है है। आलोक जी, तो इसमें क्या नया है जो ये एक नया परसेप्शन यहाँ पर रखा जा रहा है जनता के सामने? 18 मंडल, 18 टीमें, 18 हफ्ते। तारिक जी कह रहे हैं कि ये तो पहले से ही है ये चीज जिला योजना कमेटी के तहत। मुझे लगता है जब कोई नई सरकार आती है, जनता को लगता है कि उसने कुछ बेहतर काम किया है। पिछले 5 सालों में योगी जी ने जो काम किया है उसके आधार पे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की दशा सुधरी है, चाहे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम कहें, अगर उत्तर प्रदेश दूसरे पायदान पर पहुंचा है तो योगी जी ने जो काम पिछले 5 सालों में किया है उसकी वजह से पहुंचा है। अर्थव्यवस्था अगर दूसरे पायदान पर उत्तर प्रदेश की पहुंची है तो योगी जी ने जो काम किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया है उसकी वजह से अर्थव्यवस्था दूसरे पायदान पर पहुंची है। तो मुझे लगता है कि एक बार फिर से सरकार को यह मौका मिला है, अगला 5 साल उत्तर प्रदेश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है, योगी आदित्यनाथ जी को दिया है। हमारी जिम्मेदारी बड़ी है, हमें अर्थव्यवस्था को पहले पायदान पर पहुंचाना है, हमें कारोबार की सरलता में पहले पायदान पर उत्तर प्रदेश को पहुंचाना है। फैक्ट्रियां यहां लगे, अंतरराष्ट्रीय कारोबार यहां हो, अंतरराष्ट्रीय उद्योग धंधे यहां स्थापित हो, ये जो है निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की चिंता है और उस पर हम अपने तरीके से नहीं, काम वो कर सब रहे तो हैं। ठीक है, तो जो लेकिन मोहम्मद भरोसा तारिक भारतीय ये जनता कह रहे पार्टी की हैं कि सरकार को कान मिली है, सीधा पकड़े या कान घुमा के पकड़े तो उससे क्या फर्क हो जाएगा? फर्क यही हो जाता है जो पिछले 5 सालों में आपने योगी जी की सरकार में देखा। पहले भी बहुत सारी सरकारें उत्तर प्रदेश में रही हैं, वो अर्थव्यवस्था को बेहतर कंडीशन में ला सकती थी, वो कारोबार की दशा उत्तर प्रदेश में बेहतर कर सकती थी, अपराध के हालात उत्तर प्रदेश में बेहतर हो सकते थे। बहुत सारी सरकारें, बहुत 5 साल पहले बहुत सारी सरकारें थी, समाजवादी पार्टी की सरकार भी उत्तर प्रदेश ने देखी, बसपा की सरकारें भी देखी, कांग्रेस की सरकारें भी देखी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कुछ परिवर्तन आया। अगर हम क्राइम में कहीं बेहतर कंडीशन में हैं, अगर आज उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं, उत्तर प्रदेश की जो दशा है उसको देश दुनिया गौर से देख रही है, अगर हम कोविड में कोविड की व्यवस्था हम बेहतर तरीके से कर सके और दुनिया उसको दे दुनिया ने उसको सराहा, तो निश्चित रूप से हमने कुछ बेहतर और कुछ अलग तरीके से काम किया। तो किसी भी सरकार को जो आगे बढ़ना चाहती है, आगे जाना चाहती है, उत्तर प्रदेश के हालात को बेहतर करना चाहती है, और योगी जी जैसी सरकार निश्चित रूप से कुछ नई पहल करती है। ये पहल आप उसी तरह नजरिए से देख सकते हैं। तारिक जी, आप पर सवाल उठने से पहले, क्योंकि आपकी भी सत्ता में सरकार रही है, अगर इच्छा शक्ति होती तो ये चीज़ें अब हो सकती थी उस सरकार में भी, लेकिन अब नहीं हुआ, कुछ बदलाव जनता ने देखा इसलिए मैंडेट भी मिला। खैर, हमने तो अपने अपने क्षमता के अपने हिसाब से बहुत कुछ किया था, लेकिन अभी बात तो इनकी हो रही है, हम तो सत्ता में है नहीं, और वाकई में जनता ने इनको दोबारा मौका दिया है, ये भी सच है, उस बात को झुठलाया नहीं जा सकता है। लेकिन अभी इन्होंने कहा उद्योग आए, अभी यूपी समिट हुआ था कुछ साल पहले, 2017 या 18 में, 4 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट की बात की गई थी उस समिट में। मैम, उस समिट का कुछ
कुछ पता ही नहीं चला कि वो कहाँ चला गया। उसमें मुकेश अंबानी ने जो पिछले इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में कर चुके हैं उसको भी गिना दिया था, मैंने बाकायदा डिटेलिंग पढ़ी थी उसकी। अब बताइए, तो अब जहां तक बात हो गई कि नए रोजगार आएंगे, तो ऐसा कुछ तो अभी तक इनके 5 साल की सरकार ने दिखा नहीं। लॉ एंड ऑर्डर की बात कर लें तो एनसीआरबी का डेटा कहता है कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार के मामले में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे है, सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अत्याचार है। अभी देखिए इलाहाबाद में 2-2 घटनाएं इतनी बड़ी हो गई हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा नहीं है जितना ये क्लेम करते हैं। बहरहाल खैर, मैं ये कह रहा हूँ कि इनके जो इन्होंने अपना टीम बनाई है मंडल वाइज समीक्षा करने की, उनकी उनके ऊपर ये जिम्मेदारी होगी, और ये भी देखने वाली बात होगी कि किसको ये जिम्मेदारी किस जिले में दी जाती है, किस मंडल में दी जाती है, उसका वो खाका क्या तैयार करते हैं, किसी एक किस तरीके का। लेकिन तारीख काम कुछ तो परिवर्तन हुआ होगा ना, जनता ने इसलिए 4 बार चुन लिया। अब इससे पिछले के चुनावों को अगर हम देख ले तो हर चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी यहाँ पर जीती है। कुछ तो परिवर्तन देखा होगा, कुछ तो काम धरातल पर दिखा होगा जनता को, बीजेपी ने जो किया है। मैं बिल्कुल मान रहा हूँ, जनता ने इनको बार बार मौका दिया, बार बार चुना है मैम, इस बात से इनकार कर ही नहीं सकते, ना मैं कर सकता हूँ। तो ये भी तो स्वीकार करिए ना कि फिर काम हुआ होगा, इसी आधार पर जनता ने चुना होगा। नहीं नहीं, ये नहीं स्वीकार करेंगे। जनता 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 के हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश में जो चुनने के आधार है वो बड़े डिफरेंट होते हैं, उसके लिए डिफरेंट एक आप डिबेट रखिए, उस पर चर्चा की जाएगी। मगर चुनने के जो आधार है वो जरूरी नहीं है कि जो बेसिक डेवलपमेंट है वही हो, कई आधार होते हैं, और अब जनता का अधिकार है, उन्होंने अपने आधार देखकर चुनाव किया, और बेशक इन्हीं का चुनाव किया है, हमको मैंडेट दिया है कि हम विपक्ष में बैठें। वो विपक्ष की भूमिका निभाते हुए मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो जिस स्तर का काम इनको धरातल पर, और खासकर क्योंकि जॉब की बहुत बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश में बनती जा रही है जॉब क्रिएशन के लिए, और सबको आप सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, ये भी मैम मैं कह रहा हूँ, प्राइवेट सेक्टर में जॉब क्रिएशन के लिए इनका कोई एक इनिशिएटिव नहीं है कि कहीं पर एसईजेड बनाया जाए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिसको कहते हैं, वो बनाया जाए जिसके तहत बहुत सी जगहें खाली हैं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ, बाराबंकी बनाकर कम से कम उत्तर प्रदेश को, जैसे तारिक जी रुकना चाहूंगी, तारिक जी यहाँ रुकना चाहूंगी, एक बड़ी खबर सामने आ रही है, पहले दर्शकों को वो बड़ी खबर बता देते हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर हैं, और शाम 6 बजे अमित शाह के निवास पर मुलाकात करेंगे, कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। हिमाचल में इस साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने हैं, और ऐसे में उनका दिल्ली आना बेहद महत्वपूर्ण, और आज शाम को गृहमंत्री अमित शाह के साथ उनकी मुलाकात, हाईकमान के साथ जैसे कि पहले से ही तय था कि उनकी मुलाकात होगी, तो चुनावों को लेकर ये बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है मुलाकात, और कई मुद्दों को लेकर इसमें चर्चा होगी। तो इस वक्त ये बड़ी जानकारी दर्शकों को हम दे दें, हिमाचल प्रदेश के सीएम 2 दिवसीय दिल्ली के दौरे पर हैं, और आज उन्होंने यहाँ पर मीडिया सेंटर का भी उद्घाटन किया। इसके अलावा अब शाम को कहा जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ वो मुलाकात करेंगे, कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से संवाददाता राजा पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजा सर, बताएं इस खबर को लेकर क्या अहम जानकारी मिल पा रही है? राजा मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो शाम 6 बजे अमित शाह के साथ मुलाकात सीएम जयराम ठाकुर की आज होने वाली है, कई अहम मुद्दों पर दोनों के बीच में चर्चा होगी, और चुनाव के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो ये मुलाकात जो है वो बेहद अहम रहने वाली है। अब देखना होगा कि इस मुलाकात में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, फिलहाल कयास यही है कि बेहद महत्वपूर्ण ये मुलाकात होगी, और कौन कौन से मुद्दे होंगे जिन पर चर्चा होगी। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं संवाददाता राजा पटेल का। राजा जरा बताएं इस खबर को लेकर क्या ताजा अपडेट मिल पा रही है? अमित शाह से मुलाकात करेंगे हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। जो जानकारी है, जिस तरीके से प्रदेश में चुनाव है, चुनावों को लेकर यहाँ पर बातचीत हो सकती है। वहीं मैं आपको बता दूं कि जो हिमाचल में सिरमौर जिले में ट्रांसगिरी क्षेत्र है, जहाँ पर जनजातीय क्षेत्र और हाथी समुदाय के अनुसूचित जाति की घोषणा को लेकर ये आग्रह करने वहां पर पहुंचेंगे। मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़ी जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि अनुसूचित जाति की घोषणा को लेकर अमित शाह जी से मुलाकात करेंगे और उनसे आग्रह करेंगे। और जिस तरीके से हिमाचल में चुनाव है और लगातार जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो हिमाचल में सक्रिय नजर आ रहे हैं, इन सभी पहलुओं को लेकर बातचीत हो सकती है। जी, शुक्रिया राजा पटेल, नजर बनाए रखिए, और इस पर आगे अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए शुक्रिया। तो यहाँ पर अनुसूचित
जातियों के विकास के लिए अहम बातचीत जो है गृह मंत्री के साथ हो सकती है। चलिए हम चर्चा का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। हमारे साथ यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, नवेद शिको जी। नवेद जी नमस्कार, स्वागत है आपका भी। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि योगी सरकार 2.0 एक्टिव तरीके से काम में लगी हुई है, एक नया एजेंडा यहाँ पर दिया जाता है मंत्रियों को, उसके तहत काम किया जा रहा है, तो एक तरीके से यहाँ पर जनता के सामने चीजों को रखा जा रहा है कि क्या काम जो है सरकार जनता के लिए करने जा रही है। 80 कड़ी में अब 18 टीमें 18 मंडलों के लिए 18 हफ्ते का एक कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया, जिसके तहत जो है हर मंडल का एक बेहतर विकास हो, क्या कुछ विकास की वहाँ पर संभावना है, ये तमाम चीज़ों को परखा जाएगा मंत्रियों की तरफ से। आप इसको किस तरीके से देखते हैं, कितनी सकारात्मक हो सकती है, इसका कितना सुधार, इससे कितना सुधार देखने को मिल सकता है? देखिए, उत्तर प्रदेश ने योगी सरकार को एक बार फिर मौका दिया है और एक बड़ा जनविश्वास यूपी की जनता ने एक रिकॉर्ड तोड़ा है और भारतीय जनता पार्टी पर एक बार फिर बड़े विश्वास के साथ में उनको सत्ता की बागडोर सौंपी है। एक बात को समझना पड़ेगा कि कोई भी एक बड़ा इतिहास रहा है, करीब 3.5 दशक के बाद उत्तर प्रदेश में कोई सरकार रिपीट हुई है, कोई मुख्यमंत्री रिपीट हुआ है, और जब कोई सरकार रिपीट होती है और मुख्यमंत्री भी रिपीट होता है तो वो सरकार चलाने में और भी आसानी होती है, क्योंकि पिछला अनुभव जो है वो काम आता है। जाहिर सी बात है, पुरानी कुछ योजनाएं हैं वो आगे बढ़ती हैं, कुछ कार्य योजनाएं, कुछ प्लान, जो काम हम नहीं कर सके थे उसको हम आगे कर सकते हैं, जो हमारे अंदर कमियां थी, खामियां थी, उसको सुधार सकते हैं। तो यही स्थिति योगी सरकार के साथ भी है कि 5 साल का उसका उत्तर प्रदेश की सरकार चलाने का अनुभव है और फीडबैक है। जब चुनाव होते हैं तो पूरा एक रिपोर्ट कार्ड सामने आता है, जनता अपना रुख जाहिर करती है कि इस सरकार से हमें क्या फायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ। विधानसभा चुनाव से पहले जनता का जो रुख सामने आया था, जाहिर सी बात है कि कुछ पसंद ही किया होगा, तभी इस सरकार को फिर से मौका दिया है। लेकिन कुछ कमियां भी थी, वो कमियां भी सामने आई थी, और संघ का और भारतीय जनता पार्टी का अपना खुद का रिसर्च था जिसमें कुछ नकारात्मक पहलू भी सामने आए थे, और आना स्वाभाविक भी है। कोई भी सरकार अच्छा काम करती है तो कुछ कमियां भी रहती हैं, उसमें एक बात निकल के आ रही थी और ये पार्टी के लोग भी स्वीकार करते हैं और जनता ने भी इस बात को कहा था कि जनप्रतिनिधियों और मंत्रियों का डायरेक्ट जनता के साथ में जुड़ाव नहीं था, कहीं ना कहीं कोई कड़ी टूटी हुई थी। और उसके बारे में ये भी कहा जा रहा था कि नौकरशाही को इतना हावी कर दिया गया था कुछ अच्छा करने के लिए कि बीच में कोई पार्टी वाद ना हो, कोई संगठन वाद ना हो, कोई निष्पक्षता सामने हो और कोई पक्षपात ना हो, इसलिए पुलिसिया तंत्र को और नौकरशाही को एक पूरी अच्छा काम करने का मौका दे दिया था योगी सरकार पहले कार्यकाल में। उस बीच क्या हुआ, जनप्रतिनिधि और मंत्रियों की और जनता के बीच में कहीं ना कहीं एक दूरी बन गई थी और आम जनता की ये शिकायत आ रही थी, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बेहतर समझते थे पहले कार्यकाल को और जो चुनाव में इस बात को भी कबूल कर रहे थे कि हम फिर से वोट देने जा रहे हैं, लेकिन उनकी शिकवा और गिला ये था कि उनके मंत्री, उनके विधायक उनको पूछने नहीं आते हैं, उनके बुरे वक्त पर सामने नहीं आते हैं। और मंत्रियों और विधायकों की ये शिकायत थी जो खुल के सामने आई थी कि हमें मौका नहीं मिलता है, हमारी अधिकारी सुनते नहीं है, थाने का एक थानेदार भी मेरे नहीं सुनता है, तो हम अपनी जनता को न्याय कैसे दिलाए। यानी कहीं ना कहीं नौकरशाही और जनप्रतिनिधियों के बीच में जो बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, सामंजस्य नहीं था, उसकी वजह से जनता की थोड़ी सी नाराजगी थी और वो काम नहीं हो पा रहे थे जो होना चाहिए था। मुझे लगता है कि योगी सरकार का ये जो कार्यकाल है, नया कार्यकाल जो है, इसने इस बात के लिए सबक लिया है और मंत्रियों को, विधायकों को क्षेत्र के रिसर्च के लिए, जनता के बीच जाने के लिए और तमाम चीजों को अधिकारियों के साथ, नौकरशाही और मंत्रिमंडल, विधायक, कैबिनेट मंत्री और तमाम मंत्रियों के बीच एक सामंजस्य बनाने की कोशिश की जा रही है कि जो पिछली सरकार में कुछ कमियां रह गई थी उन खामियों को दूर किया जाए। और ये सरकार, ये जो पहल जिसके बारे में आप चर्चा कर रही हो, मैं समझते हूँ कि ये सराहनीय है, क्योंकि कोई भी कमेटी बनती है, कोई भी इस तरह का इनपुट्स, इस तरह का आउटपुट्स के साथ में काम कार्यप्रणाली बनती है तो कुछ बेहतर हो सकता है,
बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं इस सेकेंड पारी में सीएम योगी जो है एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि अब कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी, काम सबको करना होगा और जो भी योजनाएं लोगों तक पहुंच रही हैं, नहीं पहुंच रही हैं, अब वो खुद ये चीज मंत्री देखे परखे और उन चीजों पर काम करे। तो ये एक संदेश, एक मैसेज यहाँ पर देने की कोशिश जो है वो योगी सरकार की तरफ से इस बार की जा रही है। तारिक जी, अभी आप कह रहे थे कि हम विपक्ष में हैं और हमारा काम होता है कि सरकार की कमियों को गिनाना, लेकिन अगर इसी तरीके से सरकार काम करते रही, आपने सुना भी नवीद जी को जिस तरीके से उन्होंने कहा एक पॉजिटिव वे में, तो कहीं ऐसा ना हो कि आगे चल के फिर मौका भी ना मिले विपक्ष को सवाल उठाने का। विपक्ष में रहेंगे तो सवाल उठाने का मौका मिलेगा ही। अब नया चेंज ये होगा कि हम सत्ता में चले जाएं और वो विपक्ष में आ जाएं, लेकिन फिलहाल अभी हम विपक्ष में हैं तो हम तो सवाल उठाएंगे ही, लेकिन हाँ जनता, लेकिन सरकार की तो कोशिश है कि मौका ना दें हर चीजों पर बारीकी से काम करना, और जिस तरीके से सीएम योगी एक के बाद एक योजनाएं लाके एक तरीके से कहीं ना कहीं ये संदेश तो दे रहे हैं कि अब जो है लापरवाही चाहे मंत्री की हो चाहे ब्यूरोक्रेसी की, किसी की भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, अब तो काम करना ही पड़ेगा। जी नहीं, ये इनपुट तो मेरे पास भी है कि बीजेपी में इस चीज की बहुत बड़ी शिकायत थी कि मंत्री और विधायकों की नहीं सुनी जाती है, लेकिन उसके कहीं ना कहीं फायदे इनको हैं तो नुकसान भी है। देखिए, मंत्री और विधायक जो होते हैं उनके ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस होता है वहां की जनता का, क्योंकि उन्होंने आपको वोट देकर विधानसभा या लोकसभा कहीं भी भेजते हैं, वो यहाँ पर विधानसभा में भेजा है, तो वो अगर आपके पास कोई काम लेके आते हैं तो वो जरूरी नहीं है कि वो काम सही हो या गलत हो, क्योंकि मैं भी जनता से जुड़े हुए कामों को देखता हूँ, बहुत क्लोजली मॉनिटर करता हूँ। वहां पर क्या होता है कि वहां पर सही और गलत हट जाता है, खत्म हो जाता है, वहां पर यह हो जाता है कि ये आपका वर्कर है और इसका काम आपको करना चाहिए। अब अगर वहां पर अधिकारी बायस्ड होकर काम करने लगेंगे, जैसा कि आपके हिसाब से पिछली सरकार में नहीं हुआ था या हमारे पत्रकार साथी के महोदय के हिसाब से नहीं हुआ था, मेरे हिसाब से हुआ था, मगर मान लेते हैं कि इस सरकार में उस तरीके से काम करने लगे तो वो भी एक बहुत बड़ी समस्या सरकार के लिए खड़ा करेगा आने वाले टाइम में, क्योंकि सिफारिशें जो होती हैं लोकल निचले स्तर पर, वो चाहे बीजेपी के कार्यकर्ता हो वो चाहे नॉर्मल लोग हो, वो कहीं ना कहीं आप सही और गलत का जो तराजू है उसको एक तरफ भारी कर देते हैं और एक तरफ हल्का कर देते हैं। तो अगर इस तरीके का काम पहले हुआ था, अब उसमें चेंजेस लाए जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसमें हमारा फायदा है अगर वो चेंजेस लाए दे रहे हैं। मैं तो क्लियर कट समाज विपक्ष का फायदा देख रहा हूँ उसमें, कि कहीं ना कहीं ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये सोल्यूशन नहीं है, ये एक तरीके की नई प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से। आलोक जी, क्या वाकई में नई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, विपक्ष को फायदा मिलेगा जिस तरीके से तारिक जी कह रहे हैं? नहीं, तारिक जी एक बात बहुत सही कह रहे हैं कि लोकतंत्र की खूबसूरती होती है कि उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों ताकतवर हो। निश्चित रूप से कहीं अगर हम गलती करें और विपक्ष उस पर सवालिया निशान लगाए तो वो हमें एक रास्ता पता है कि हमें किस रास्ते पर चलना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो चल रही है वो बहुत शानदार तरीके से चल रही है। पिछले 30 दिनों में जो एक महीने का वक्त बीता है, जिस तरीके काम आपने देखा हो उसकी शुरुआत हो चुकी है। हमारा कोई भी विधायक, कोई भी मंत्री या कोई भी नेता बैठा नहीं है, हम काम कर रहे हैं। हम वो तरीके की सरकार नहीं है जो सत्ता का फायदा निजी हित में उठाते हैं। हम जनता के लिए सत्ता में आते हैं, सेवा करने के लिए सत्ता में आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 100 दिनों बाद आप देखेंगे कि उसका कुछ नतीजा भी निकल के सामने आएगा। विपक्ष की बात, विपक्ष को आप देख ही रहे हैं उनके अंदर, उनके भीतर चल क्या रहा है। पहले घर का झगड़ा वो संभाल लें, तब वो जनता के बीच में आएंगे, तो मुझे लगता है उनके पास अभी आने वाला नहीं है। थोड़ी देर 10 साल और वेट करें वो, अभी आने वाले समय में मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी का वही होने वाला है जो बसपा का उत्तर प्रदेश में हो गया है। तो काम करना पड़ता है, मुझे लगता है कि जिसको अगर कोई चाहता है कि जनता की सेवा में आए, सत्ता में आए, तो उसको जनता के लिए काम करना पड़ता है। उत्तर प्रदेश में कम से कम कोई सियासी पार्टी मुझे दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ रही है जो जनता के दुख में शामिल हो। ठीक है तारिक, काफी ठीक है, 10 साल का भी इंतजार करने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है आपके इस तरीके से, जिस तरीके से आपने कहा लग रहा समाजवादी पार्टी एक लंबा इंतजार करने के लिए भी तैयार है। नवीद जी, आखिरी कॉमेंट आपका यहाँ पर लेना चाहूंगी। देखिए, बात बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत मजबूत सरकार है उत्तर प्रदेश में, लेकिन आलोक जी की ये टिप्पणी मैं समझता हूँ कि एक घमंड कहीं ना कहीं इसमें नजर आ रहा है। विपक्ष का एक रोल होता है, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया, उसके सौंदर्य की बात की, अच्छा लगा, इस डिबेट अच्छी दिशा में गई है। लेकिन नकारात्मकता अगर ना हो, क्योंकि अपने तारिक साहब जो हैं उन्होंने भी एक विपक्ष की भूमिका के तौर पर एक बड़ी अच्छी टिप्पणी की
और उन्हें भी स्वागत किया। और ये तरीका भी होता है, लोकतंत्र का ये सौंदर्य होता है कि जब कोई सरकार आती है तो 100 दिन तक का इंतजार करना पड़ता है। 100 दिन से पहले हम उंगली नहीं उठा सकते। हमारी अपेक्षाएं, हमारी उम्मीदें, हमारी आकांक्षाएं विपक्ष की भी होती है, जनता की भी होती है, पत्रकारों की भी होती है कि सरकार अच्छा काम करेगी क्योंकि प्रदेश का ही फायदा होगा, कोई नकारात्मकता नहीं होना चाहिए। लेकिन अब विपक्ष कमजोर है, ये बात तो सही है, लेकिन विपक्ष खत्म हो जाएगा और कोई है ही नहीं सामने, मैं समझता हूँ इस तरह के शब्द कहीं ना कहीं उसमें घमंड नजर आता है और घमंड बहुत खतरनाक चीज होती है, बड़े बड़े शहंशाह जो है वो। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सरकार के जो एजेंडे हैं वो आगामी दिनों में पूरे होंगे और विपक्ष भी कहीं ना कहीं मजबूत होगा। और बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मोहम्मद तारिक, आपका शुक्रिया, आलोक जी आपका भी शुक्रिया और नवेद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर एक सरकार की तरफ से अब जो है एक नया एजेंडा, 18 मंडल 18 महीने और 18 यहाँ पर जिस तरीके से मंत्रियों को ये जिम्मेदारी दे दी गई है कि अब वो आगे चलकर काम करें और एक संदेश यहाँ पर साफ तौर पर जो है वो देने की कोशिश की जा रही है कि अब सभी मंत्रियों को जो है काम करना होगा और अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब ये कितना सकारात्मक होगा और ग्राउंड पर धरातल पर कितने काम दिखेंगे ये आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।